COVID-19 यानी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे लेकर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं देहरादून के किशन नगर चौक पे, जहाँ पर जो देहरादून के व्यस्त सड़कों में से एक है और लगातार यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब यही रास्ते पूरी तरह से सुनसान हो गए हैं और यहाँ पर बहुत ही कम तादाद में अब यहाँ पर गाड़ियों का गुजरना यहाँ से हो रहा है। यहाँ पर आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार तैनात हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर लगातार उसमें अपनी तरफ से अहम भूमिका निभाकर लोगों को सूचित कर रहे हैं और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जो बिना किसी वजह के घर से बाहर निकला हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हो रखा हूँ, ये रास्ता यहाँ से चक्राता और पौंटा साहिब के लिए निकलता है और आगे जाकर ये रास्ता गड़ी कैंट के होते हुए भी जाता है, जो मुख्य कैंट इलाका है जहाँ पर सारे सेना के जवानों का आवास स्थान है। और यहीं से अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि मेरे जस्ट सामने वाले रास्ते की तरफ दिखाया जाए, यहाँ से जो रोड बिल्कुल यहाँ से एकदम सीधा जाकर ये रोड आगे जाकर घंटाघर और यमुना कॉलोनी की तरफ जाता है और यमुना कॉलोनी में जहाँ पर सभी मंत्रीगणों और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी का निवास स्थान है, यहाँ पर लगातार इस जगह पर लोगों का आना जाना लगा रहता था और अब ये रोड बहुत ही कम तादाद में यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना देखने को मिल रहा है, जिससे साफ तौर पर दिख सकता है कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी भी जनता की तरफ से जहाँ पर उनको लगातार यहाँ पर सूचित किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना वायरस से बचने का बेहतर तरीका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी लोग घर से अभी भी निकल रहे हैं। और जहाँ एक तरफ त्रिवेंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कानून बनाया कि इन दिनों लॉकडाउन के चलते केवल दुपहिया वाहन ही सड़क पर उतरने की इजाजत है और बिना किसी जरूरी काम के केवल जो एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को चार पहिया वाहन इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन अभी भी यहाँ पर दुपहिया वाहन की अगर बात करें तो अभी भी लोग यहाँ पर दुपहिया वाहन में अपने पीछे चालक के साथ एक और व्यक्ति को बैठाकर अभी भी जा रहे हैं। और यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर से एम्बुलेंस गुजर रही है और एम्बुलेंस के साथ यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी और भी कई सरकारी विभाग के लोगों की गाड़ियों का यहाँ पर से गुजरना लगातार जारी है। और यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर कोरोना वायरस के लेकर लगातार जनता अलर्ट है। अब यही देखना है कि ये जो कड़े प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं इसमें जनता इसमें किस तरह पार्टिसिपेशन करती है, क्योंकि आखिरकार जहाँ एक तरफ सरकार अपनी तरफ से अपना काम कर रही है, जनता को लगातार सूचित कर रही है, उनको लगातार इस बात को बताने का प्रयास कर रही है कि कोरोना वायरस से बचना है, कोरोना को हराना है, ताकि ये जो कोरोना वायरस की कड़ी टूट सके और इसमें आगे जाकर मरीजों की जो आंकड़े हैं उसमें किसी तरह इजाफा हो सके, इसके आंकड़े घटें, ताकि हम भी दिखा सकें कि हमारे देश में आखिर कोरोना का नामो निशान ही मिट जाए। अब देखना यही है कि आगे जाकर ये आंकड़े किस तरह कम होते हैं और लगातार जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं वो किस तरह जनता की तरफ से अपनी तरफ से एक बेहतर और अहम कदम साबित होते हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ मानव डुभाल।